खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है अभय सिंह चौटाला जी, जो एकमात्र ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेके अभी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव कवर कर लिए हैं। क्या लगता है सर, आज पूरे गांव आपने कवर कर लिए हैं? बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं हमेशा से बहुत जागरूक मतदाता रहे, इन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण किया और उनकी नीतियों को हमेशा आगे बढ़ाया। हमेशा किसान की कैसे मदद हो उसके लिए लोग बहुत सारे आंदोलनों का हिस्सा भी रहे। आज जो प्रदेश के हालात हैं, जिस ढंग से इस 9 महीने में कोरोना की आड़ के अंदर प्रदेश के लोगों के सामने बहुत सारी कठिनाई खड़ी की गई, बहुत सारे घोटाला करके इस प्रदेश को लूटा गया, आम आदमी को नुकसान पहुंचाया, लोग इस चुनाव के अंदर इस बात को लेकर के इस बीजेपी को भी और इन जयचंदों को भी सबक सिखाएगी। जहां इनको सबक सिखाएंगे वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोग सवाल करेंगे अब कि आज तो तू उंगली कटा करके शहीद होना चाह रहा है, आज तो तू कहीं 100-200 किसानों को इकट्ठा करके धरना दे रहा है। जब 2013 में तू मुख्यमंत्री था तब जब ये बिल लोकसभा में आया था तब विरोध क्यों नहीं किया? तब तो तेरा बेटा वहाँ लोकसभा में खड़ा होकर किस बिल की पैरवी कर रहा था। बीजेपी ने तो 7 साल बाद किसान को मारने की, क्योंकि पहले इनके पास बहुमत नहीं था, अब की बार पूर्ण बहुमत से आए हुए थे। ये तो पहले तुम्हारा विरोध कर रहे थे, आज ये जब लागू कर रहे तो तुम इनका विरोध कर रहे हो। तुमने तो 8 साल पहले ये फैसला ले लिया था कि कैसे किसान को मारा जाए, कैसे उसको कमज़ोर किया जाए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का मेंबर था जिस कमेटी ने देश के किसान की फसल की पैदावार की लागत और उसको लागत से कीमत क्या दी जाए। उसमें 5 मुख्यमंत्री थे, उनमें मुख्यमंत्री में पंजाब का मुख्यमंत्री था, ये उस कमेटी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन था मुख्यमंत्री के तौर पर, राजस्थान का मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसका मेंबर था और उसके साथ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका मेंबर था। तब इन्होंने एक दिन भी चेयरमैन रहते हुए उस कमेटी का, जो किसान की फसल की क्या रेट तय हो उसकी सिफारिश करने वाली कमेटी जो थी, इसने एक बार भी क्यों नहीं MSP बढ़ाने की बात कही। इसने कभी ये क्यों नहीं कहा कि किसान की जो गेहूं की फसल है उसकी लागत 2000 रुपये क्विंटल आती है, उसका 2500 में खरीदा जाए। तब तो जो केंद्र की सरकार की तरफ से आपको आदेश मिलते थे उन आदेशों की पालना करते थे, केवल अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी बची रहे इसके लिए किसान भाड़ में जाए दस्तखत करके भेज देता था। अब कहता है कि किसान के साथ अन्याय, अन्याय करने में तो सबसे बड़ा भागीदार तो तू भी है, तैने भी तो यह अन्याय किया, उस अन्याय पे तो मोर तैने लगाई है। इसलिए कांग्रेस को भी सबक मिलेगा, अभी डेट तय होने दो चुनाव की, फिर आप देखना लोगों के किस तरह से विरोध का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। ये युवा जो हैं ये पूछेंगे उनसे कि आपने जहाँ हमें नौकरी और रोजगार नहीं दिया वहीं जो साधन हमारे पास छोटा मोटा था अब तो आप उसको भी छीनने में लग गए, हम कहाँ जाएंगे। आज किसान के बच्चे की सबसे ज़्यादा बड़ी दुर्गति है, नौकरी के अंदर मेरिट बना के इनको मार दिया, झूठ बोल करके इनसे वोट ले लिया कि तुम्हें 11000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब 1 साल के लिए नौकरियों पर बैन लगा दिया, क्या करेंगे बच्चे, कौन जिम्मेवार है इसका। कोविड का बहाना करते हैं और सबसे ज़्यादा कोविड का उल्लंघन करते हैं,
सबसे ज़्यादा इस कोविड के अंदर लोगों को परेशान करते हैं। सर, दुष्यंत चौटाला से जब पूछा गया कि MSP का आप किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े होते, तो उन्होंने कहा कि इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उनके MSP और अन्य हितों की रक्षा के लिए। मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, गृह मंत्री झूठ बोलता है, और ये दुष्यंत जिसका नाम तुम ले रहे हो ये भी सारा दिन झूठ बोलता है। मुख्यमंत्री ने आज ही बयान दिया है, उसने आज ये बात कही है कि किसी पे भी लाठी नहीं चली पीपली में। ये उस मुख्यमंत्री के पास जाके कह के आया अखबार में, सोशल मीडिया में तुम जैसे लोगों ने खबरें चलाई कि दुष्यंत डिमांड करके आया कि जिन पे लाठियां लगी है उसकी इंक्वायरी हो और जिन्होंने मारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दे दी। ये जो कह करके आया, अगर सही कह करके आया तो फिर अब सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिसकी मुख्यमंत्री सुनता ही नहीं। ये तो सारा दिन थारे सोशल मीडिया पे चला करके अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सरकार तो इन्होंने बनवा दी, लेकिन सरकार इन्होंने कोई इसलिए नहीं बनाई कि प्रदेश के अंदर लोगों का भला करना है। सरकार बनाने के लिए पैसे लिए हैं और पैसे लेकर के सरकार बनाई, पैसे लेकर के महकमे लिए। ये तो इनकी अपनी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं इनके ऊपर, इनके अपने MLA खुल करके ये बात बोलते और कहते हैं कि लूट के तो ये खा गया अकेला, अरे नाम हमारा बदनाम हो रहा है। इनके MLA मंत्री किसान, इनके MLA जाके किसानों के धरनों में बैठते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथ हो तो फिर तुम सरकार में शामिल क्यों, छोड़ दो सरकार को, क्या लालच है? अगर ये सरकार छोड़ दे शाम को इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, क्योंकि दारू वाला ये एक ऐसा मामला है जब मंत्रालय इसके पास था, ये दारू की माफिया मिलकर के खा गए। माफिया कोई और नहीं, इसके अपने नज़दीकी रिश्तेदार हैं। सर, वो तो कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लग रहे हैं घोटाले नहीं है तो हमारे सुधार हैं, तो जांच करा ले, सुधार है तो सुधार तो हमारे घर में जमे, हमने पता है कितना बड़ा सुधारक है।